हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। आज से हम स्टार्ट करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में। बहुत दिन से ये शिकायत है एक तरह की कि इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट होने चाहिए क्वेश्चन, तो स्टार्ट करेंगे। एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आज। बहुत सिंपल से क्वेश्चन डाले हैं लेकिन फिर भी थोड़े अलग लग सकते हैं आपको, तो नेक्स्ट वीडियो से और इनको इंटरेस्टिंग बनाएंगे और कुछ अलग करने की कोशिश है। मतलब अगर एप्टीट्यूड में इस तरह के क्वेश्चंस जो जनरली हम नहीं देख पाते हैं या जो हमारी सोच को एज अ टीचर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो स्पेशली फॉर टीजीटी पीजीटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआरटी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्योर तरीके से एप्टीट्यूड नहीं कहेंगे बट ठीक है, पैडागॉजी सेक्शन में डाल ही सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? तो मतलब टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा एक बेस्ट मेथड हो सकता है? डायलॉग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या ऑडियो विजुअल मेथड? तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई हम एक्टिव लर्निंग पर जोर देते हैं और जब तक बच्चे का नुकसान नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, स्कूल का या टीचर का बहुत ज़्यादा व्यय नहीं हो रहा, मतलब जो भी सिस्टम का बेसिकली अगर खर्चा नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा या सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब कुछ सही होता है जिस लिमिट तक, उस लिमिट तक हम एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, एक्टिवली लर्न कराने की कोशिश करते हैं और स्पेशली एट प्राइमरी लेवल। तो यहाँ पर लेवल तो कोई दिया नहीं हुआ, तो डायलॉग मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड। ऑडियो विजुअल मेथड यहाँ पर बेस्ट हो सकता था, टेक्स्ट बुक मेथड वही फिर थोड़ा इनएक्टिव हो जाता है और डायलॉग मेथड सेम फिर लेक्चर मेथड की तरह ही हो जाता है लगभग। तो यहाँ पर ऑडियो विजुअल मेथड हो सकता था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता था। एक तो इंटरेस्ट बच्चों का क्रिएट हो जाए वो मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड दिया हुआ है, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं तो आप ग्रुप में काम कर रहे हैं या जिस भी तरह से आप एक तरह से एक्टिवली लर्न कर रहे हैं, कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन है आपकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स हैं वो यूज़ होती हैं, आपका ग्रुप पार्टिसिपेशन जो आप ग्रुप में काम करते हैं वो भी यूज़ होती हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है, आपकी आपकी खुद से खोज का एक अच्छा रास्ता है ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड होगा क्योंकि कोई क्लास नहीं दी हुई एक तो, और दूसरा सभी के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई 10th क्लास का बच्चा है तो उसके लिए बुरा होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम प्राइमरी लेवल पर और अपर क्लासेस के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पर जो चारों में बेस्ट होगा वो प्रोजेक्ट मेथड ही होगा, आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर टू, बेसिक एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन? मतलब जो बेसिक एजुकेशन का आइडिया था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन का था या वॉज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ गांधी जी, गांधी जी का था, या फिर रिलीजन्स की ये सोच है कि बेसिक एजुकेशन दी जानी चाहिए, हैड लिटरेसी एज इट्स ओनली ऑब्जेक्टिव, कि सिर्फ लिटरेट हो जाएं यही एक ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था है बेसिक एजुकेशन का। तो ये बेसिक एजुकेशन गांधी जी का थॉट है, फिलॉसफी के अंदर आता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे जैसे ही हम आगे आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी के अंदर। तो गांधी जी का आइडिया है बेसिक एजुकेशन का, सभी को दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु स्टेटेड दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ अ टीचर? मतलब किसने कहा कि भाई वर्ड्स के, शब्दों के बीच में, एक टीचर के और उसके एक्शंस के बीच में, मतलब कर्म और शब्द बराबर के होने चाहिए, उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये जो फासला है ये खत्म करना है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, मदन मोहन मालवीय ने, जाकिर हुसैन या फिर महात्मा गांधी? तो ये थॉट भी महात्मा गांधी का था और प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच भी एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये गांधी जी की फिलॉसफी थी कि भाई जो वर्ड्स का जो डिफरेंस है वर्ड्स और एक्शन का फॉर अ टीचर वो खत्म हो जाए, और शायद इसीलिए हम थोड़ा मार भी खा जाते हैं एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस में कई बार, क्योंकि हम शायद ये दिखाने में लगे हुए हैं ज़्यादा कि हमें एज अ टीचर क्वेश्चन मार्क करना है या हमें एज अ टीचर सोचना है, फिर हमारी, हमने दो अलग अलग एक तरह से इमेजेस बनाई हुई हैं, एक वो टीचर जिसको हम पता नहीं क्या, मतलब हमने एक्शन वाला टीचर, क्योंकि हम दिल से टीचर बन ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ एक्शन, वर्ड्स वाले टीचर और एक्शन वाले टीचर के बीच में जो डिफरेंस है ना, अगर आप उसको खत्म कर पा रहे हैं तो आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, और ये बात आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस चलेंगे मैं आपको बिल्कुल प्रूव कर दूंगी। और जो ऐसा क्वेश्चन जरूर अटकेगा, चाहे आप कितने भी 30 मार्क खां बन जाइए कि भाई मैं चालाकी से आंसर कर दूंगा या कुछ भी, एक आध क्वेश्चन आपको जरूर इस तरह का मिल जाएगा जो आपकी असली सोच को, कि आप असल में किस तरह से सोचते हैं एज अ टीचर, वो निकाल करके रख देगा। तो स्टार्ट करते हैं। विच स्कॉलर हैड स्टेटेड दैट द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट? ब्लैंक स्लेट मतलब वही टेबुलर आसा वाली बात आ जाती है। तो जॉन लॉक ने कही है बेसिकली जो 17th सेंचुरी में, तो रूसो, बटलर, प्लेटो, एडलर। अब हम यहाँ पर लॉक को नहीं ढूंढेंगे कि भाई ये तो लॉक ने कहा था पिछली बार आया था और लॉक नहीं है यहाँ पर, तो ये तो क्वेश्चन गलत है या कुछ गड़बड़ है। तो ये बिहेवियरिस्ट
इस तरह से सोचते हैं कि ब्लैंक स्लेट मतलब आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, गीली मिट्टी की तरह है। बहुत सारे लोगों ने इसको एक तरह से सपोर्ट किया है, इस सोच के तरफ गए हैं। बिहेवियरिस्ट बेसिकली इस चीज को मानते हैं। ये प्लेटो के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, जो आंसर होगा वो प्लेटो होगा, क्योंकि लॉक तो यहाँ पर दिया नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्लैक बोर्ड इज अ सिंबल ऑफ। ब्लैक बोर्ड किस चीज का सिंबल है? एक टीचर का, एजुकेशन का, क्लास का, या स्कूल का? तो देखिए, टीचर और एजुकेशन बहुत वाइड टर्म हो जाएंगे तीनों ही। एक क्लास का, एक एक जो आपकी कक्षा चल रही है, या एक तरह से जो सिंपली मतलब सिंबलाइज करेगा आपकी क्लासरूम को, ब्लैक बोर्ड है ना। और हम इसको करेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, जैसे हमारा पेडागॉजी का सेक्शन स्टार्ट होगा या फिर फिलोसफी का। वेयर इज द स्कूल फॉर ट्रेनिंग टीचर्स हु टीच ब्लाइंड टीचर्स ब्लाइंड चिल्ड्रन लोकेटेड इन इंडिया? तो इंडिया में, भारत में ऐसा कौन सी जगह पर वो स्कूल लोकेटेड है जहाँ पर ब्लाइंड चिल्ड्रन को, जो दृष्टि बाधित स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा दी जाती है? तो भोपाल, चंडीगढ़, भुवनेश्वर या फिर देहरादून? तो ये आपका जो स्कूल है ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए, आपका देहरादून में एस्टेब्लिश्ड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज अमॉन्ग स्टूडेंट्स? तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब जो आपकी डेमोक्रेसी है, जो आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, वो लोकतंत्र लोकतांत्रिक वैल्यूज कहें तो, ये कहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलप होंगी? बुक्स पढ़ने से, प्लेग्राउंड में खेलने से, एनुअल फंक्शन में जाने से, या प्रेयर असेंबली करने से? देखिए, बुक्स तो यहाँ पे वैसे ही हट जाता है ना। एनुअल फंक्शन और प्रेयर असेंबली, और एक बचा आपका प्लेग्राउंड। तो जब भी हम बात करते हैं कि प्लेग्राउंड में, जब भी आपने गेम्स को पढ़ा होगा, या गेम्स की बात आती है कि हमने खिलाते क्यों हैं, मतलब हम गेम्स में क्यों इन्वॉल्व करते हैं, एक तो हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनके अंदर डेवलप करनी होती हैं, दूसरा हमें कोऑपरेशन की भावना डेवलप करनी होती है, वो हार जीत को एक्सेप्ट कर पाएं, बराबर समझें, इस चीज़ को हमें उनके अंदर डालना होता है। मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, यही तो होता है कि सबके इक्वल राइट्स हैं और सबकी बात सुनी जा रही है, सबको इक्वली देखा जा रहा है। तो ये आपके सबसे जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप होंगी वो आपके प्लेग्राउंड में होंगी। विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग पनिशमेंट? पनिशमेंट देने का एक उद्देश्य क्या है? अब ये नेगेटिव टर्म है अपने आप में, लेकिन फिर भी हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। गिविंग, अब ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आपकी सोच को निकालेगा। गिविंग पेन टू द स्टूडेंट्स, कि आप पेन दें स्टूडेंट्स को, मतलब क्या भाई, आप मास्टर हैं, आप हिटलर हैं, आप क्या हैं फिर? अगर आप ये उद्देश्य थोड़ा ना है आपके बच्चों को दर्द देंगे और आप मतलब एक तरह से बिल्कुल अजीब हरकत है। तो मेकिंग द स्टूडेंट फील अशेम्ड, आप उनको शर्म या इंसल्टेड फील कराना चाहते हैं। रेक्टिफाइंग द स्टूडेंट्स, आप उन्हें ठीक करना चाहते हैं। तो सिर्फ पनिशमेंट कोई तरीका नहीं है एक, कि जिससे आप ठीक करेंगे। टीचिंग अ लेसन टू द स्टूडेंट सो दैट ही डेयर्स नॉट कमिट द क्राइम अगेन, कि आपने एक उनको सबक दे दिया कि भाई आगे से ना ये वाला क्राइम या जो भी आपने काम किया है उसको करना मत। तो या फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन हो सकता था कि हाँ, आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, आप डिसिप्लिन करना है स्टूडेंट्स को। तो देखिए, डिसिप्लिन आपका एजुकेशन से आता है, एजुकेशन ब्रिंग्स डिसिप्लिन। तो अगर आपकी एजुकेशन ठीक नहीं है तो फिर आप झूठा डिसिप्लिन दिखाएंगे, है ना। तो आप रेक्टिफाइंग द स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी। आप अशेम्ड फील कराना चाहते हैं, उसको बेइज्जत करना चाहते हैं क्लास में, इंसल्टेड फील कराना चाहते हैं ताकि वो ना करे इस चीज़ को। तो ये पनिशमेंट के पीछे एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। यू आर एन एक्सपीरियंस टीचर, यू वुड, आप एक एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत सालों से आप पढ़ा रहे हैं, और एक ईगो आपकी डेवलप हो गई है कि भाई बहुत जानता हूँ मैं। तो प्रिपेयर एट होम फॉर क्लास टीचिंग, आप घर पे क्लास में जो पढ़ाना है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करके जाएंगे। टीच ओनली दैट क्लास हुज स्टूडेंट्स आर लाइक्ड बाय यू, सिर्फ उन्हीं क्लासेस को पढ़ाएंगे, क्योंकि आप एक सीनियर टीचर हैं, आपके पास अथॉरिटीज़ हैं, कि उन्हीं क्लासेस को पढ़ाएंगे जिन क्लासेस के बच्चे आपको पसंद करते हैं। इग्नोर द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन, जो इनडिसिप्लिन की जो अनुशासन से संबंधित परेशानी है उसको इग्नोर ही कर देंगे कि कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, कोई अनुशासनहीनता से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नॉट फील द नीड टू यूज टीचिंग मटीरियल्स, आप कहेंगे कि भाई इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ, जिंदगी भर से पढ़ा रहा हूँ, और मैं तो मुझे तो जरूरत ही नहीं है टीचिंग मटीरियल्स की, जो आपके एड्स हैं उनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ बढ़िया। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण जवाब होंगे अगर आप इनके साथ जाना चाहते हैं। तो प्रिपेयर एट होम फॉर क्लास टीचिंग, चाहे आपकी ज़िंदगी निकल गई हो पढ़ाते पढ़ाते, मतलब कुछ भी है, आपको कितना भी आता है, लेकिन आप प्रिपेयर करके जाएंगे और ये चीज़ अपने ऊपर आप लागू कर सकते हैं अगर आप
सच में सच के टीचर बनना चाहते हैं, एक मुखौटा लगाने की बजाय अगर आप सच में टीचिंग को प्रेज करते हैं, तो आप हमेशा क्लास में प्रिपेयर्ड होकर के जाएंगे और सोचेंगे, देखेंगे कि कुछ नए तरीके से हम कैसे इवॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप एक और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं उस टॉपिक को या जो भी चीज़ है। तो ये जो तीनों ही चीज़ें हैं कि स्टूडेंट्स को उन्हीं को पढ़ाएंगे जो आपको पसंद करते हों, या प्रॉब्लम इग्नोर कर देंगे, चलने दो इनडिसिप्लिन, नॉट फील द नीड टू यूज़ टीचिंग मटेरियल्स, कोई यूज़ नहीं करेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट तो मैं अपने आप ही बना लूंगा। तो तीनों ही चीजों के साथ आप नहीं जाएंगे, आप खुद को तैयार करके जाएंगे जब भी क्लास में जाएंगे। इन एवरी क्लास द फर्स्ट एवर पीरियड शुड बी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। जो हर एक क्लास में सबसे पहला जो पीरियड है स्कूल का, वो किस सब्जेक्ट का होना चाहिए? स्पोर्ट्स, गेम्स, द क्लास टीचर, म्यूजिक, मैथमेटिक्स। मतलब स्पोर्ट्स का पहला पीरियड जो होगा स्कूल में, वो आप स्पोर्ट्स का रखेंगे, क्लास टीचर का रखेंगे, म्यूजिक पीरियड रखेंगे, या मैथमेटिक्स। अब इसमें प्लीज अपना ऐसा कोई अजम्पशन ना लगाएं कि भाई सुबह सुबह उठ के आए होंगे बच्चे और फर्स्ट पीरियड होगा तो मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। द क्लास टीचर, जो क्लास टीचर है आपका, उसका फर्स्ट पीरियड होना चाहिए, क्योंकि उसको अटेंडेंस भी लेनी होगी और शायद फैमिलियर भी होंगे स्टूडेंट्स, तो एक कंफर्टेबल माहौल बन पाएगा। बट मेन चीज़ जो होती है वो होता है कि आपका अटेंडेंस भी वो ले लेगी और उसको बाकी जो क्लास है वो शुरू शुरू हो जाएगा पूरा दिन, जो डिस्टरबेंस या टाइम वेस्ट वाली जो सिचुएशन है दूसरे टीचर के साथ क्लैश की, वो खत्म हो सकती है। बेसिकली कहें कि यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो क्लास टीचर का हो सकता है, तो ये बात हम याद रख सकते हैं। और वैसे भी तीनों ही सब्जेक्ट हैं, तो अब सब्जेक्ट में तो हम किसी को ऊपर नहीं रख सकते कि पहले इसका हो जाए बाद में इसका हो जाए, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो जो ऑड वन आउट है आपका, द क्लास टीचर, यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन है ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री, और इसको आप थोड़ा सा सर्च करके या कहीं से देख करके मेरे को थोड़ा बताएंगे इसके आंसर के बारे में। आंसर मैं आपको बता दूंगी, रीजन के बारे में। हुज नेम इज वर्थ मेंशनिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल अरेंजमेंट्स फॉर द डी डेफ। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, उनके लिए इनमें से कौन सा नाम वर्थ मेंशनिंग है, जिन्होंने कुछ काम किया है डेफ स्टूडेंट्स के लिए, जो सुनने में जिन्हें दिक्कत है या सुन नहीं सकते। तो विलियम जोन्स, एनी बेसेंट, हेलन केलर, या मारिया मोंटेसरी। अब ये बिल्कुल अलग हो सकता है क्वेश्चन, तो हेलन केलर इसका आंसर होगा। और इन्होंने क्या किया है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे देख करके, अगर आपको पता है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वीडियो आएगा इस पर या कोई भी अदर अपने टॉपिक्स पर, तो आपको अपडेट मिल जाए, एक नोटिफिकेशन चला जाए और टाइम से आप वो वीडियो देख पाएं। और आप शेयर कर सकते हैं वीडियो जिन लोगों को भी, जो भी तैयारी कर रहे हैं अपनी टीचिंग रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी लेवल पर, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट टाइम से थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस चूज कर करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये जो लेसन है वो पसंद आया है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज हिमांशी साइनिंग ऑफ।